हेलो किड्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांतिगंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज है जीके का पीरियड और जैसे कि आपको पता है कि इस समय आपका रिवीजन चल रहा है, तो चलिए बच्चों आज के लिए हम रिवीजन फिर शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल दीजिए। तो आज बच्चों हम लोग रिवीजन करेंगे आर हेल्पर्स का। आई नो कि मैंने आपको पहले भी दो बार तीन बार करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको बच्चों मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवाती हूँ कि आप मिस्टेक ना करें, ओके, आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। इसलिए आपको मैं बार बार करवाती हूँ कि आप अच्छी तरह से याद करिए और आप लोग बार बार लिख के ट्राई कीजिएगा। ओरल मैम को, मम्मी को सुनाना नहीं है आपको, मम्मी को आप लिख के दिखाएंगे, उससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए आर हेल्पर्स, उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु मेंड्स आर शूज़, हमारे शूज़ को कौन बनाता है? तो ये हमारे शूज़ को रिपेयर कौन करता है, ठीक कौन करता है? इसका आंसर आप लिखेंगे कॉबलर, COBLER, कॉबलर। और फिर क्वेश्चन में से लिख देंगे मेंस आर शूज़, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन में आपको हु की जगह क्या लिखना है, कॉबलर, कॉबलर मेंस आर शूज़। ऑलराइट, नंबर टू क्वेश्चन है, हु टीच अस? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आपको आपको कौन पढ़ाता है बच्चों, टीचर, मैम पढ़ाती है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टीचर। आप हु की जगह लिख देंगे टीचर, TEACHER, टीचर। और यहाँ पे टीच लिखा है टीच अस, US, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, हमारे लिए दूध कौन लेके आता है? आपके घर में दूध कौन लेके आता है, दूध वाला। और दूध वाले को क्या बोलते हैं, मिल्क मैन। तो मिल्क मैन की स्पेलिंग बहुत ईजी है, पहले आप मिल्क लिखेंगे MILK मिल्क, और MAN मैन, मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस। आपको क्वेश्चन में से देख के बाकी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टिचेस आर क्लोज, आर क्लोज माने हमारे कपड़े, स्टिच माने सिलना, हमारे कपड़े कौन धोता है? तो हमारे कपड़े कौन सिलता है, हमारे कपड़े टेलर सिलता है, यानी दर्जी सिलता है। तो टेलर की स्पेलिंग है TAILOR, टेलर, स्टिचेस आर क्लोथ्स, ओके। नेक्स्ट है, हु ब्रिंग्स लेटर फॉर अस, हमारे लिए लेटर कौन लेके आता है, पत्र कौन लेके आता है? तो पोस्टमैन लेके आता है। तो लिख देंगे आप पोस्टमैन, पोस्ट की स्पेलिंग है POST, पोस्ट, MAN मैन, पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस। ऑलराइट, इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिवीजन हम लोग करेंगे कलर्स का। कलर्स का भी मैंने आपको पहले भी करवाया है, आज एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपके पास कोई वीडियो नहीं आएंगी जीके की, अब आपकी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी के आप एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको देखिए फिंदा ब्लैंक्स है, ये फिंदा ब्लैंक्स में आपको लिखना है द ग्रास इज ग्रीन, ग्रास कैसी होती है, ग्रीन होती है। द एप्पल इज रेड, द हेयर आर ब्लैक, द क्लाउड्स आर व्हाइट, द स्काई इज ब्लू, द सन इज येलो, द हिल्स आर ब्राउन एंड ऑरेंज इज ऑरेंज। ऑलराइट, तो ये आपके सारे कलर्स भी हो गए और आपको पता भी लग गया किसका होता है, पर आपको लिखने में मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, लिख के कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।